तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं धुसका। धुसका के लिए मैंने रात को ही 1 कप चावल और 1/2 कप चने की दाल और 1/4 उड़द की दाल को भिगोकर रख दिया था और वो उसको अब मैंने पीस लिया है। ये देखिए, पीसने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन के साथ इसको मैंने पीसा और 2 घंटे के लिए इसको मैंने फर्मेंट होने के लिए रख दिया। तो अब ये मेरा ये बैटर तैयार है और इसके अंदर मैं मसाले डालने जा रही हूँ। ये जीरा है, हल्दी है, हींग है, धनिया पाउडर है, सॉल्ट है और ये चाट मसाला है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये सब आप इसमें मिक्स कर दीजिए। और ये हमने इसमें मिक्स कर दिए। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे, इसको हम ढक के रख देते हैं और हम सबसे पहले बनाएंगे, इसके साथ आलू टमाटर की सब्जी जाती है, तो हम इसके लिए अब हम आलू टमाटर की सब्जी को पहले तैयार करते हैं। चलिए आइए बनाते हैं आलू टमाटर की सब्जी। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है, उसके बाद में ये जीरा डाल रही हूँ और उसके बाद में इसमें ये 2 खड़ी मिर्च और ये जिंजर ग्रेट की हुई है ये मैं डालूँगी। और अब मैंने इसमें ये टमाटो भी डाल दिए हैं। ये धनिया पाउडर है और ये हींग है और ये सॉल्ट है, ये हल्दी है और ये लाल मिर्च है और ये हमारा जीरा पाउडर है और ये सब मैंने 1/2 चम्मच लिया है। नमक आप टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, टमाटर के साथ इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 4 मीडियम आलू लिए हैं और ये बॉईल किए हुए हैं और बॉईल किए हुए आलू की आप सब्जी बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एकदम ढाबे की सब्जी लगती है। इसलिए अब ये मैं आलू भी इसके साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये मसाला पूरा आलू की इसमें मिक्स हो जाएगा और उसके बाद जो है इसमें हम थोड़ा पानी डालकर 2 सीटी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये धुसका का बैटर है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको डालना कैसे है। देखिए, इसको हमने ऐसे कड़छी में लेना है और इसको एक ही तार में एक ही जगह पे डालना है। और ये अपने आप फूलने लगेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे, ये मीडियम हॉट ऑयल है हमारा और ये अपने आप फूलेंगे। ये देखिए, बैटर हमको एक ही जगह पे एक ही तार पे डालना है। ये देखिए, ये अपने आप फूल जाते हैं। ये हमारे झारखंड के फेमस धुसका हैं जो बहुत नाश्ते में फेमस किए जाते हैं, नाश्ते के लिए बहुत फेमस हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आलू की सब्जी के साथ। अब हम आलू की सब्जी को भी देखते हैं, ये भी हमारी रेडी हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, ये झारखंड के धुसका देखिए तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल फूले फूले। और ये आलू की सब्जी आप खाइए नाश्ते के साथ, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।